के जाओगी। न्यू बालाजी महाराज ग्रुप द्वारा नव वर्ष के अवसर पर पिछले 5 सालों से लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी समतामूलक चौराहे पर इस भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का आयोजन नरेंद्र कुमार शर्मा, संदीप यादव, अंकित सिंह, सचिन सिंह, कंचन चौहान द्वारा मिलकर प्रतिवर्ष कराया जाता है। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी। ये हम लोगों का बालाजी ग्रुप के नाम से मेंबरशिप है। हम चार पांच दोस्त आ रहे हैं। हमारे सबसे पहले संदीप यादव जी, दूसरे अंकित सिंह जी, तीसरे सचिन सिंह जी, मैं नरेंद्र शर्मा और कंचन जी। सभी लोगों के सहयोग से, बाकी आप सब भक्तगणों के सहयोग से, समस्त भक्तगणों से लगातार 5 साल से करा रहे हैं। इस बार 5वां साल हम लोगों का है भंडारे का जी। कराते हैं इस बार दूसरी साल कराया है। इसके पहले कराया था भुजंग देवी मंदिर पे, उसके पहले कराया सुगम मऊ में। तो हर साल जगह बदल के नया साल कराते रहते हैं। क्या कार्य है मेन, किस तरह के कुछ? अच्छा, कोई कार्य नहीं है, समाज सेवा कुछ नहीं है। फिलहाल बालाजी के नाम पे ही हम लोग करते हैं अपना जी। बाकी छोटा मोटा जो काम है बस बड़े मंगल पे दान पान करना, बाकी नए साल पे भंडारा करना। सिर्फ नए साल पर ही काम है जी? जी, हर साल करते हैं जी मैडम। सभी को नव शुभकामनाएं और सभी को जय जय श्री राम। हम लोग जब से जी अयोध्या में श्री राम जी विराजित होने वाले हैं, 22 जनवरी का ही तिथि है, क्या कहना चाहेंगे? एक जनता होने के नाते, एक भक्त होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं जी? पूरे नखलाओं में जो है दिवाली मनाई जाएगी जी, पूरे किस तरीके से इनको आप लोग मनाएंगे? सब लोगों को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा मतलब ये है कि हाँ, बहुत दिन से इंतजार था मैम इस चीज, ये एक दिन आए तो बस ये है कि बहुत ही मतलब दिल से और कितनी 500 साल से जब लोग लड़ रहे थे, आज आके कितनी सफलता मिली और ये प्रभु राम की और बालाजी की कृपा है। और ये जो बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो 500 साल बाद हम लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, और जीवन धन्य हो गया। नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सहयोग रहा कि रामलला जी जो टेंट में विराजमान थे अपने घर में जा रहे हैं। तो बस ये हिंदुत्व की धर्म सनातन धर्म है, सबसे पहले बोला जय श्री राम। देशभर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।